कैसे हो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट रियासी बॉर्डर शेयर करती है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और रामबन से ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से वेस्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से साउथ में और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ में। रियासी और रजौरी तहसीलों ने सन 1947 में शाही रियासत जम्मू व कश्मीर के हिंदुस्तान से इलाहाब के वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी के नाम से एक ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट बना दी थी। रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर दोनों तहसीलों को अलग कर दिया गया और रियासी को डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ मिला दिया गया। सन 2006 में रियासी को दोबारा अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। सेंसस 2011 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रियासी का कुल एरिया 1719 स्क्वायर किलोमीटर, जो 9 तहसीलों और 12 ब्लॉक्स में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट रियासी की पॉपुलेशन 314,690 सेक्स रेशो और लिटरेसी रेट 58%, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 12% और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन 28%। रियासी जम्मू व कश्मीर रियासत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह पूर्वती भीमगढ़ राज्य की सीट थी। कहा जाता है कि इसे राजा भीमदेव ने 8th सेंचुरी में स्थापित किया था। यह 1822 तक एक स्वतंत्र रियासत बनी रही, जब सिख साम्राज्य के तहत जम्मू पहाड़ी के क्षेत्र के तत्कालीन राजा गुलाब सिंह ने छोटे राज्यों को इकट्ठे किया। रियासी नाम शहर के पुराने नाम रसियाल से लिया गया। रिसेंटली रियासी में लीथियम के ज़खायर दरियाफत हुए हैं, जो हिंदुस्तान में इस तरह की पहली दरियाफत है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंदाज़ा लगाया है कि रियासी के सलाल हैमामा इलाके में 5.9 मिलियन टन लीथियम के ज़खायर हैं, जिसकी तस्दीक खुद हिंदुस्तान की वजारत कानून ने भी की है। रियासी फोर्ट, भीमगढ़ किला जम्मू व कश्मीर की तारीखी और पुरकशिश किलों में से एक है, जो जम्मू शहर से 73 किलोमीटर के फासले पर रियासी शहर में वाकिया है। एक तरफ ये अंजी नाला से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ दरियाए चिनाब से। यह किला मेन रोड से 150 मीटर बुलंदी पहाड़ी पर वाकिया है। इब्तदाई दौर में यह किला 8वीं सदी में राजा भीमदेव ने आम अंदाज में तामीर किया था और इसीलिए इसका नाम भीम के नाम पर रखा गया। बाद में इसकी दीवारें ऋषिपाल राणा और उसके जानशीनों ने पत्थरों से तामीर की। यह किला ऋषियार राजपूतों के आबा व अजताद भी इस्तेमाल किया करते थे। 1672 में जब गजय सिंह जम्मू का राजा बना, तो इसने अखनूर और रियासी को जागीर के तौर पर अपने छोटे भाई जसवंत देव को मुंतकिल कर दिया, जिसने अपनी ताकत से मकामी हुक्मरान राजा को बाहर फेंक कर भीम किले पर कब्जा कर लिया। जसवंत देव ने रियासी को अपने बेटे रतन देव के हवाले कर दिया। सन 1815 में महाराजा गुलाब सिंह ने किले को दोबारा तामीर करवाया जनरल जरोवर सिंह के जरिए। 1989 में किला जम्मू कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। रियासी के कट्टा टाउन से 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है वैष्णो देवी टेम्पल, जो 1585 मीटर की बुलंदी पर वाकिया है। जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ होली कोव ने इसकी उम्र तकरीबन 10 लाख साल बताई है। ऋग्वेद में त्रिकुटा पहाड़ी का भी जिक्र है, वो जगह जहाँ मंदिर वाकिया है। महाभारत, जो पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण देता है, में वैष्णो देवी की पूजा का भी उल्लेख है। वैष्णो देवी रियासत जम्मू व कश्मीर की मशहूर पिलग्रिमेज सेंटर है। यह 1986 से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जेर इंतज़ाम है। हर साल लाखों यात्री इस मुकद्दस मकाम का दौरा करते हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट के विलेज कोटला और दरियाए चिनाब के करीब लोकेटेड है सियार बाबा वाटरफॉल, जो तकरीबन 52 किलोमीटर रियासी टाउन से और 100 फुट नीचे उतरती पानी की लहरें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है श्री शिव खोरी केव, जो रानसू विलेज से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाकिया है। 2008 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर ने श्री शिव खोरी श्राइन एक्ट पास किया था। डिस्ट्रिक्ट रियासी में चिनाब के किनारे डेरा बाबा बंदा भी मौजूद है। बाबा बंदा सिंह श्री गुरु गोबिंद सिंह के मशहूर सिपाही थे। हर साल बैसाखी के मौके पर बैरून रियासत के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं।
रियासी से 23 किलोमीटर की दूरी पर है सलाल पावर प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दरियाए चिनाब पर तामीर किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है जम्मू कश्मीर को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ और राजस्थान को भी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है चिनाब रिवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेलवे ब्रिज, जो रिवर बेड से तकरीबन 359 मीटर ऊपर और 1.3 किलोमीटर लंबा है। पेरिस के मशहूर आइफल टावर से 35 मीटर ऊंचा। नॉर्वे बेस्ड फोर्स टेक्नोलॉजी लैब ने हवा की रफ्तार और स्टैटिक फोर्स कोफिशेंट को समझने के लिए कई विंड टनल टेस्ट भी किए हैं। पुल को 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को रोकने के लिए डिज़ाइन किया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का कृषि विज्ञान केंद्र रियासी में तिजारती फूलों की पैदावार को फ़रोग दे रहा है। पहाड़ी ज़िला रियासी में कुछ इलाके बंदरों के खतरे से बुरी तरह मुतासिर है और इन इलाकों में मैरीगोल्ड एक मुताबिल काबिल अमल फसल के तौर पर साबित हो रहा है। रियासी डिस्ट्रिक्ट के कंजली, भागा, चंबा, चकभटका कमर्शियली तौर पर मैरीगोल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है 370 एकड़ पर फैली रेजिडेंशियल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी, जो 1999 में एस्टेब्लिश की गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।